ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शादाब मलिक, आपका दोस्त, आपका भाई। आज एक महान शख्सियत की टेरिस पे हम आए हैं। ये सिटी है हबीबगंज, जो बांग्लादेश में है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, सिलेट में लगता है ये भी। तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन महान शख्सियत से, इनको तो आप जानते ही पहले से। ये हमारे इमान भाई हैं जो बांग्लादेश से हैं, और अभी मिलाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगा जाइए। ये हमारे भाईजान हैं खैरुल हसन, इनकी टेरिस है और बहुत मेहनत कर रखी है इन्होंने कबूतर के पीछे। आपको एक एक चीज़ में दिखाऊंगा, वीडियो बने रहे लास्ट तक। ऐसे ऐसे नायाब कबूतर इन्होंने बनाए जिनके रिकॉर्ड है, इनके पास कोई भी कबूतर ऐसा नहीं रखा जिसका रिकॉर्ड ना हो। हर जो ब्रीडिंग में जो कबूतर हैं उनके भी पहले रिकॉर्ड चेक करें, उनको उड़ाए, टूर्नामेंट खेले, आपके सामने सब ट्रॉफी वगैरह कप रखे हैं। और भाईजान के और भी कप हैं जो अभी नहीं मिले, मतलब कुछ टूर्नामेंट इन्होंने प्राइस किए हैं। थ्री ट्रॉफी आपको मिलने वाली थी, तो एक्नॉलेज की थोड़ी बात शेयर हो जाए। तो भाईजान, जैसे आप पहले कौन सा शौक करते थे आप कबूतरबाजी में? अस्सलाम वालेकुम आपका व्यूअर्स को। मैं पहले दफ़ा फैंसी कबूतर रखा था, तो फैंसी कबूतर का तकरीबन 10-12 साल मेरे फैंसी कबूतर मेरा घर पे था। और मेरा एक दोस्त है रुमान आलमगीर, उन्होंने बोला क्या कबूतर पाल रहे हो भाई? रुमान आलमगीर ये मेरा दोस्त है रुमान। अच्छा, ये भाई आपके दोस्त? जी। अच्छा, तो उन्होंने बोला जो क्या फैंसी कर रहे हैं भाई, हाई फ्लायर रखो, कबूतर उड़ाओ, मस्ती करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला तो सोचो दे दो, मैंने बोला तो ठीक है। मैंने दो प्यार हाई फ्लायर रखा, उड़ाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी वक्त मैंने सब फैंसी को मेरे घर से हटा दिया, तो नया लव बनाया। एक्चुअली मैंने सुना है वो फैंसी बहुत कॉस्टली फैंसी था, तो अराउंड कितनी कॉस्ट में होगा वो फैंसी, कितने रुपए का खरीदा था आपने? तकरीबन 40 लाख। जी, करीब 40 लाख रुपए का फैंसी खरीदा हुआ था, वो सब हटा दिया। सब हटा दिया, क्योंकि ये शौक है कबूतरबाजी में, ये परवास का शौक है। जैसे अभी आपने देखा भाईजान ने सारे शौक खत्म करके अभी ये परवाजी का शौक शुरू किया है। ये हाई फ्लायर कबूतर हैं जो कि पाकिस्तान की ब्रीड है और इंडिया की ब्रीड है भाईजान के पास में। तो भाईजान, आपको कितना टाइम होगा हाई फ्लायर का शौक करते हुए? तकरीबन 7 साल होगा। 7 ईयर्स? जी 7 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए ओनली 7 ईयर्स में भाईजान के पास ट्रॉफी है। ये ढाका हाई फ्लायर पिजन, यानी कि पूरी कंट्रीज का तरफ से ये कप है, सेकेंड प्राइज़ है। आपको मैं बहुत नज़दीक से दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए ढाका हाई फ्लायर पिजन एसोसिएशन सेकंड रनर, और इसी तरह की सारी ट्रॉफी जिसमें थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, तो चैंपियन भी है, चैंपियन भी है, फर्स्ट भी है, स्टेट लेवल का चैंपियन है, स्टेट लेवल चैंपियन भी ना। तो भाईजान, जो आपके ब्रीडर कबूतर हैं उनका आप शौक कराइए, जो फेमस ब्रीड है आपकी, जिनके रिजल्ट है। इंशाल्लाह ठीक है, दिखाइए आप। चलिए चलते हैं इनके लॉट की तरफ। हाँ, इधर में हम शौक कराएंगे। वेरी गुड। ये कौन सी ब्रीड है भाईजान? इमामदीन। इमामदीन जी, इमामदीन ब्रीड है। अच्छा अच्छा, इसके इसके रिजल्ट कैसे हैं इस ब्रीड के? जितना उड़ाओ कम उड़ता है। थोड़ा मैं एक बार शौक कराऊंगा व्यूअर्स को, ये देखिए माशाल्लाह, रेड आइज का ये कबूतर है इमामदीन। और इसके परों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके माशाल्लाह कुंदे बहुत इसके क्लियर हैं एकदम, माशाल्लाह बहुत। ये टेल है इसकी, पंजों शौक करें। तो भाईजान, इसकी फीमेल कौन सी है? इसका फीमेल मेरे हाथ में है, ये फीमेल है और ये मेल था।
सर और पीछे जा जरा थोड़ा। तो इसके इसके रिकॉर्ड्स क्या हैं सर, कितना उड़ा इसके बच्चे आपने? मेरा जिला का टूर्नामेंट हुआ था 2022 में, जिसमें फर्स्ट पोजीशन लगा था इसका बच्चा। इसका बच्चा फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन चैंपियन रहा है। तो कितना घंटा सर गर्म में होता है? 10 घंटा 37 मिनट, 10.5 घंटे का रिकॉर्ड बनाया बच्चे का, 10 घंटा 37 मिनट का। और गर्मी में हाई फ्लेयर का इतना टाइम होना भाई, ये बड़ी बात है, क्योंकि हाई फ्लेयर का आपको पता है 7-8 घंटे जाता है मैक्सिमम, लेकिन जो 10 घंटा जा रहा है तो बहुत अच्छी पीरियड, नया पीरियड है। तो ये एक सर का प्लेयर होगा सर, इसको थोड़ा छोड़ के दिखा देंगे। हाँ लाइए, इधर लाइए, नीचे में इमाम जी का शौक कीजिए आप। खूबसूरती भी बहुत है कबूतर के अंदर, बहुत खूबसूरत है। अभी सेकंड ब्रीड का शौक कराते हैं। ये सर के पास में एक ब्रीड और है सियालकोटी, कौन से हैं सियालकोट के? 35 वाले कबूतर हैं। तो सर इनका रिजल्ट क्या हुआ आपके पास? इनका रिजल्ट है 10.5 घंटा मेरा आंखों के सामने उड़ा है टूर्नामेंट के अंदर, 10 घंटा 20 मिनट उड़ा है। 10 घंटा 20 मिनट टूर्नामेंट का रिजल्ट। थोड़ा शौक कराएंगे, आइए नजदीक आइए। माशाल्लाह खुश है, हम निकल जाए। इसकी फीमेल का भी शौक कराएंगे। ये फीमेल पर देखिए एकदम तलवार के माफिक पर कबूतर का, बहुत शानदार पंजे दिखाई दे। इसकी टेल का शौक कीजिए। ये एक पैर है, कबूतर की खड़ान देखिए। सियालकोटी ब्रीड की जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत शानदार है। ठीक है, और आगे शौक कराते हैं दूसरी ब्रीड का। ये कौन सा कबूतर है सर आपका? टेडी, टेडी। ये टेडी ब्रीड है सर की। तो सर ये कौन से वाले हुए हैं? मियां नजीर वाला। मियां नजीर वाला जी। तो ये तो बाहर की ब्रीड है सर, आप तो आपको कैसा हासिल हुई है? मेरा एक भाई है, अच्छा दोस्त की तरह उन्होंने मंगाया, लेके आया मैंने। अच्छा, बाहर से मंगाया जी। आइए थोड़ा शौक करा देते हैं। माशाल्लाह, हाँ इसके रिंकल्स देखे कितने क्लियर है इसके, पर वह शौक करा। कबूतर अभी क्रीज में एक्चुअली पर डाल रहे हैं कबूतर। बहुत बढ़िया पंजे दे, छोड़ दे खड़ा। पहले फीमेल के आइस का शौक एक बार कराऊंगा मैं, लाइए। देखिए कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत आला है, बहुत
और दूसरे की ब्रीड का शौक कराते हैं। सर ये अभी एक ब्रीड और आप लेके आए हैं, ये कौन सा ब्रीड है सर? ये मेरा घर का ब्रीड है, टेढ़ी कलसीरा टेढ़ी है, और ये मेरा घर का उड़ा हुआ कबूतर है। ये बांग्लादेश का ब्रीड है? जी बांग्लादेश का ब्रीड है, सारे खुद बनाया मैंने, 10.5 घंटा होने वाला कबूतर है, टूर्नामेंट का रिजल्ट है इसका। आ जाइए। ये कबूतर भी उड़ाया हुआ है सर का, अभी तो ब्रीडिंग में है, और ये इनको अपना लोकल टेडी है जो खुद से मतलब मेहनत की है इसमें, बांग्लादेश का टेडी बोल सकते हैं इसको। इसके पर बहुत पसंद आए मुझे, है ना, कुंदे देखो कबूतर के, कबूतर कुंदे उसके पर ले रहे हैं, वाइब्रेट दिख रही है कबूतर में कितनी वाइब्रेट है, ये देखो माशाल्लाह। तो ये पूंछ देखिए, ये देखिए बहुत पूंछ होता है कबूतर, और कबूतर क्रूज में है। लाइए फीमेल, फीमेल का शौक कीजिए, बहुत शानदार। इसका भी रिजल्ट है, इसका भी रिजल्ट है, पर टूर्नामेंट के अंदर रिजल्ट नहीं है इसका। ऐसे फिरतों में कितने घंटे होगी? फिरतों में 8.5-9 घंटा, 8.5-9 घंटा होगी उड़ने वाला कबूतर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टेडी बेयर है आपका, ये लोकल टेडी भी बहुत शानदार है। ये फकीर गुल है और इसका भी रिजल्ट बहुत शानदार है सर के पास में, बच्चा का इसकी, और ये थोड़ा सा रेयर है, देखिए आइए। आंखों का शौक कीजिए फकीर गुल की, वही वाह बहुत बढ़िया, परवा शौक रहा है। तो वो तो एक शाइन है, पंजे देखिए खुश के जामनी पंजे, हाई फ्लायर का जो ओरिजिनल साइज है ना, किंग साइज, वेटलेस ना, कबूतर में वेट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्यारी। देखिए सर माशाल्लाह से इसका बच्चा बहुत जबरदस्त होगा, इसका रिजल्ट, इसका बच्चा में फिरतों में तकरीबन 8 घंटा प्लस उड़ रहा है अभी तक, फिरतों में 8 घंटा प्लस ना उड़ रहा है, टूर्नामेंट वही 10 घंटा प्लस ही आ जाएगा ना? जी। ओरिजिनलिटी है इस ब्रीड में ना जी, बहुत उम्दा क्वालिटी। इसके बाद किसका शौक करा रहे हैं आप? फिर फकीर गुल और एक प्यार, ठीक है आप कराइए। सर ये जो ब्रीड है ये कौन सी, तो जालदार है क्या ये? जी बहुत जबरदस्त कलर है, मेरा बहुत फेवरेट कलर है फकीर गुल का, ये भी फकीर गुल है? जी। आइए शौक कराते हैं, पसंद का मैंने कलर है कबूतर के पर, देखिए परों का शौक, ये देखिए आंखों का शौक कीजिए, वाह जी वाह, इसके जर्रात देखिए आंखों,
इसके पंजे आप शौक किए? बिल्कुल जाम नहीं पंजे, एकदम खुश। नाखून देखे इसके नेल, इसके देखे खाने, उंगलियों खाने देखे इसके, क्योंकि ये जो उंगली होती है ना, उंगली इनके जो रिंग बने होते हैं इसमें, ये हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने ये बहुत स्पेशली बताया था, जो शौकत बलोच साहब हैं हमारे उस्ताद, कि कबूतर के जो उंगलियों पे जो खाने होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा एक रोल है इसकी उड़ान के पीछे, इसका इसकी नकल के पीछे इसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो आगे वीडियो में उस चीज़ के लिए भी मैं शेयर करूँगा। उस्तादों की बातें सबके सामने आनी चाहिए। ईमेल का शौक आता है सर मिली माँ भी है फकीर सर मिला नर जो है ये आपने शौक कर लिया, ये फीमेल है, ये शर्मीली फकीर गुल है। इसकी आंखें अगर देखेंगे आप तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, देख लीजिए आप। अच्छे जूम करके दिखाना है आपको, हाथ रोक दे, हाथ नहलाओ आप, बस उंगली मारो उसमें। ये हाथ में नहीं रुकता शर्मिले में, ये सबसे बड़ी बात। बॉडी स्ट्रक्चर का तो जवाब नहीं, इनकी खड़ान देखे पूरा। और शौक कराते हैं दूसरे भी सर? ये अभी कौन सी ब्रीड है हमारे हाथ में जो आप शौक कराते हैं? एक सलेटी कबूतर है। सलेटी कबूतर ये बहुत तगड़ा रिजल्ट है। इस साल 2022 में मेरा एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था जिला का, दीपक का ना, दीपक का सिलेक्ट डिवीजन में, सिलेक्ट डिवीजन में मैं फर्स्ट हुआ। इसका रिजल्ट है 10:37 10:47 यानी कि 11 घंटा में 13 मिनट में जी। बहुत अच्छा। ये क्या पाकिस्तान की ब्रीड है सर? ये जी पाकिस्तान इंडिया का ब्रीड क्रॉस किया आपने। आइए शॉप कराते हैं इसका उतर। बहुत खूबसूरत है इसके, इसका कुंदे देखिए, इसके मुझे कुंदे बहुत पसंद आए कबूतर। देखिए कुंदे सील अभी अभी है इसका, लगातार चाचू नंबर ये वाला कुंदा देखो, चार टूर्नामेंट में उड़ाया था लगातार। कबूतर खुद बता देगा अपनी क्वालिटी, देख सकते हैं आप। पूंछ भी देखिए, तो इसकी सर आपने जो परवाज ली तो कितने टूर्नामेंट उड़ाया आपने? लगातार चार टूर्नामेंट में उड़ाया था, 2 दिन गैप करके। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अभी अभी इसका पास सील वगैरह है। हाँ सील दिखाया हमने, सील लगा हुआ है, सील लगा हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। ये सब सील के निशान। सबसे बड़ी बात ये भाई इसको जो सियान बहुत ज्यादा है, घर का बहुत बहुत पक्का है। हाँ टूर्नामेंट लगातार उड़ रहा है तो बहुत 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 सियान है। ले जोड़ की जोड़ दिखा दे। चलिए राउडी छोड़ दो। जैसे अभी आपने देख लिया सर के ब्रीडर सेटअप, आपने देख लिया कबूतर देख लिया सर, उड़ने वाला का शौक बोल रहा था आप, किस तरह का आपने तैयारी की है, किस तरह का कबूतर है? आइए एक बार उड़ने वाला शौक कर लेते हैं। पहले सर मेल का कराएंगे? जी मेल का करा। चलिए चलते हैं अभी भाईजान के लॉफ्ट साइड, दिखाते हैं आपको उड़ने वाले कबूतर के क्वालिटी। वाह बहुत शानदार। ये क्या सर? ये टेडी बनाया है ये? जी टेडी। थोड़ा दिखाइए इसी को, दिखाइए छोड़ दीजिए इसको, उसी को दिखाइए। हाँ
लीजिए। भाई भाई ये टेढ़ी है शॉप की, ये सब घर के पट्ठे हैं जो उड़ान मुड़ाए हैं भाई साहब ने। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसके खड़ान दिखाई सर, छोड़ दिया एक कबूतर मुझे और दिखाना है आपको, ये वाला, ये कबूतर, ये एक टेडी है, देखिए जरा। आंख में रेडनेस बहुत है इसकी। वाह, छोड़ दीजिए, चलिए फीमेल के साइड जाएंगे थोड़ा। हाँ ये मेल हैं, इसमें पट्टे हैं, ये सब बच्चे हैं ऊपर। इसमें भी सब पट्टे हैं, ये फीमेल का लॉक है, आप देख सकते हैं फीमेल। अंदर करते हैं, अंदर में देखते हैं। लाइट लाइट, ये फीमेल है, सब उड़ाने वाले, उड़ने वाली फीमेल है सब, जो टूर्नामेंट में उठती है। मैं आपको एक फीमेल का शॉक कराऊंगा अभी, देखिएगा आप भाई, ये फीमेल का शॉक कीजिए। सर क्या रिजल्ट है इनका, ये फीमेल जो है घर के बच्चे, ये 7.5 घंटा उड़ रहा है, 7.5 घंटा देखिए क्रूज में है। हाँ पर डालो बैंक कबूतर ने क्रूज कर रहे हैं। थोड़ा छोड़ के अब देख सकते हैं कबूतरों के खड़ान, देखिए सारी फीमेल हैं, ऐसे खड़ाने लगते हैं मेल है। आज आपने अपने नया नस्लों का शौक कराया और जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनको इतने अच्छे से अपने नस्ल दिखाई, तो इसका शौक कराया तो मैं तो आपको दिल से थैंक्स बोलता हूँ। मैं आज बांग्लादेश आया हूँ तो सिर्फ भाई इमान भाई की मेहनत है, भाइयों की मेहनत, मुझे यहाँ तक आने का एक मौका मिला मुझे। आपको भी थैंक यू वेरी मच, आप दूसरे मुल्क से आया बांग्लादेश में, तो भाइयों आगे और भी वीडियो आने वाली है भाईजान के लॉक की, उनका लॉक भी बहुत शानदार है, बड़े अच्छे कबूतर रखे उन्होंने, तो आगे वीडियो बनाता रहूँगा मैं, आपको शौक कराता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कबूतर भाईजान ने कैसा लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।